रीढ़ की हड्डी में दर्द एक बड़ी समस्या है जो पूरे विश्व के अंदर कामकाजी लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है। अब रीढ़ की हड्डी होती क्या है? ये गर्दन से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 7 वर्टिब्रा होते हैं ये गर्दन के अंदर होते हैं। इसके नीचे पसलियाँ होती हैं जिनको रिब्स कहते हैं, 12 होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये जो 12 जो वर्टिब्रा होते हैं जिनसे दर्द लगी रहती हैं, इनको थोरेसिक वर्टिब्रा कहते हैं। इनको सर्वाइकल C1 to C7, इनको थोरेसिक T1 to T12, और उसके नीचे 5 कमर की हड्डियाँ होती हैं जिसमें ये तो T12 चूँकि रिब लगी है तो T12 ही हो गई, तो L1, L2, L3, L4, L5 ये लंबर वर्टिब्रा होते हैं L1 से L5 तक। और उसके बाद फिर ये 5 को मिला के सैक्रम और एक कॉक्सिस जो बंदर में पूंछ होती थी ये पूंछ होती है। तो आम तौर पर लोगों के अंदर ये L4, L5 इन दोनों के बीच की डिस्क यहाँ की, या L5 और S1, ये 5 सैक्रल में होते हैं, S1 इनके बीच की डिस्क खिसक जाती है, वो निकाल दो नंबर स्पाइन। तो ये जो वर्टिब्रा अगर हम सामने से देखते हैं तो ऐसे होते हैं, इतनी ऊंचाई होती है और इन दोनों के बीच में डिस्क होती है। शरीर के अंदर हर दो जोड़ों के बीच में गद्दी होती है, चाहे वो घुटने का जोड़ और चाहे वो स्पाइन का जोड़ो, चाहे कंधे का जोड़ो, चाहे कोहनी का जोड़ो, चाहे कलाई का जोड़ो, चाहे उंगलियों के जोड़ों। जैसे घुटने का जोड़ होता है तो इसमें भी दो हड्डियों के बीच में, ये ऊपर की हड्डी है, ये नीचे की हड्डी है, तो इसके बीच में ये गद्दी होती है जिसको कार्टिलेज कहते हैं और यहाँ इसको डिस्क कहते हैं। अब इसको मैं समझा रहा हूँ आपको, ये L5 है, ये पेल्विस है जिसको कूल्हे की हड्डी कहते हैं, ये पूरी पेल्विस है। तो इन दोनों इसके बीच S1 और L5 के बीच में भी ये गद्दी है, देखिए ये गद्दी है, L4, L5, L4 के बीच में भी ये गद्दी है। इस तरह से ये गद्दियाँ होती हैं। तो जैसे हम देखेंगे तो L5, S1, L4, L5 के बीच में गद्दी, L3, L4 के बीच में गद्दी, L2, L3 के बीच में, L1 हर एक के बीच में एक गद्दी होती है और ये गद्दी पीछे तक होती है और इसके बीच में यहाँ से नस निकलती है, ये नस निकलती है इस तरह से ये नस निकलती है। जब ये गद्दी खिसक जाती है तो इस छेद के अंदर ये नस दब जाती है और नस दब जाती है तो नीचे तक टांगों के अंदर दर्द जाता है, सुन्नाहट जाती है, पैर लटक जाता है, लकवा मार जाता है और आपने केयर नहीं करी और अपने काम में लगे रहे तो फिर आपको टट्टी पेशाब का कंट्रोल भी ख़त्म हो जाता है जिसको कहते हैं ब्लैडर एंड बॉबल इन्वॉल्वमेंट, वो भी हो जाता है। हर जगह पर ये छोटी छोटी नसें निकलती रहती हैं, पूरे स्पाइनल कॉर्ड में हर लेवल पे नसें निकलती हैं। यदि सर्वाइकल में परेशानी है तो बाहों के अंदर परेशानी आती है, थोरेसिक में परेशानी है तो अलग परेशानी आती है, और जब यहाँ कोई परेशानी है तो आपकी कमर में परेशानी आती है। अब थाई में आ रही है, घुटने में आ रही है, टांग में आ रही है, सुन्नाहट कहाँ हो रही है, पैर लटक गया है, ये डिपेंड करता है कौन सी नस और कितनी मात्रा में दबी है। जैसे कि ये नी जॉइंट का मॉडल है तो इसके अंदर ये देखिए, तो पटेला हड्डी है, ये पटेला हड्डी है, ये जो हमने अलग हटा दी, ये अलग हटा दी, ये पटेला है, ये पटेला हड्डी है और ये जॉइंट है, इसको अलग हटाइए थोड़ा सा, हाँ ये काट लीजिए आपकी, ये नी की काट लीजिए। ये बिल्कुल नी का एक्चुअल मॉडल है, ये अमेरिका से मंगाया है, इसके अंदर ये काट लीजिए, ये गद्दी घिस जाती है। तो जब घिस जाती है तो इसकी जगह फिर हम ये वाली कार्टिलेज डाल देते हैं, ये चेंज करते हैं, इसको खोल के कार्टिलेज निकालिए, देखिए इसको खोला, ये निकाली, तो ये अलग कर दीजिए इसको, ये जो कार्टिलेज है ये कार्टिलेज हमें चेंज करनी पड़ती है, ठीक। तो और कार्टिलेज ये नी रिप्लेसमेंट का मॉडल है, ठीक। तो अगर इसके अंदर भी अगर ये गद्दी, यहाँ की गद्दी पूरी गल गई है और नस पूरी दब रही है तो वहाँ पर डिस्क रिप्ले आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट भी हम लोग करते हैं, पर वो बड़ी टेढ़ी सर्जरी है और खर्चा भी उसमें 5 से 7.5 लाख के बीच में खर्चा आता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द हॉस्पिटल एंड क्वालिटी ऑफ द डूइंग सर्जन हैं। और इनको स्पाइन की प्रॉब्लम है, आपको कब से प्रॉब्लम है? मुझे 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए। अच्छा, आप दिल्ली में ही रहते हैं? ग्रेटर नोएडा में। आपी लंबाई कितनी है? मेरी 6 फुट 3 इंच। 6 फुट 3 इंच आपकी लंबाई है, अच्छा। और आपका वजन कितना है? 106 किलो। 106 किलो वजन है।
और 7-8 महीने से आप बिस्तर में पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी क्या परेशानी है नीरज? जैसे मैं खड़े होकर चलता हूँ तो मेरा पैर सुन्न हो जाता है। हाँ, खड़े होकर चलते हैं तो क्या हो जाता है? मेरा पैर सुन्न हो जाता है और मेरी कमर में दर्द और लेफ्ट साइड में ढूंगे में दर्द होता है। और दर्द होता है? दर्द होता है, ठीक है। उसके बाद? उसके बाद में कमर में दर्द होता है, सन्नाटा पैर के अंदर, पैर के अंदर सन्नाटा हो जाता है, घुटने से सारा पैर सुन्न हो जाता है, बिल्कुल चला भी नहीं जाता, चला नहीं जाता है, ठीक। अब मैं आपकी एक्सरे को दिखा रहा हूँ, एक्सरे के अंदर आपकी में क्या परेशानी है, सॉरी एमआरआई में दिखा रहा हूँ, एमआरआई में देखिए, एमआरआई के अंदर अब ध्यान से देखें, इन सभी डिस्क के अंदर, इस डिस्क में, इस डिस्क में, इस डिस्क में, सब में जेली भरी हुई है, लेकिन ये जो डिस्क है ये डिस्क काली पड़ गई है और इसने यहाँ के इस चीज़ को, इस स्पेस को ब्लॉक कर दिया है, ठीक। तो डिस्क प्रोलैप्स है, अच्छा खासा सीवियर डिस्क प्रोलैप्स है और जिसने पूरे स्पाइनल कैनाल है वो पूरी ब्लॉक कर दी है। और इसका दूसरा एक पिक्चर और देखें, ये ऊपर से नीचे देखिए डिस्क की कैनाल सीधी चली आ रही है, ये स्पेस भी ख़त्म हो गया है पूरा और डिस्क खाली पड़ के इसने पूरा ये वाला स्पेस ख़त्म कर दिया है। तो अब हम इसको ट्रैक्शन, बहुत ज़रूरी है इसके अंदर ट्रैक्शन देंगे, मेडिसिन देंगे, मसल रिलैक्सेंट देंगे और जो उनकी नस दबके सन्नाट आ रही है उसके लिए भी इनको, वो जो नर्व के टॉनिक हैं वो भी इनको दिए जाएंगे। फिर शुरू में इंजेक्शन के रूप में, जब डोज पूरी हो जाएगी तब उसके बाद उसको हम देंगे गोलियों के रूप में, ठीक है। पर इनको अपने कमर के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। तो ये MRI पिक्चर है वो मैंने आपको दिखा दी। इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है कि उसको कहते हैं स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। अभी भाई साहब को बिस्तर पर लेटा दिया है, उसके लिए टेस्ट किया जाता है, दोनों घुटने मिलाइए, दोनों घुटने मिला लीजिए, एड़ी मिला लीजिए, ठीक। घुटनों को नीचे दबाइए, पंजों को अपनी तरफ खींचिए, छोटी उंगली की तरफ, की तरफ से छोटी उंगली तरफ से अंगूठे मिलाइए, एड़ी मिलाइए, एड़ी मिलाइए, एड़ी मिलाइए, अंगूठे मिलाइए, घुटने दबाइए और इनको इधर से, ये पैर आपके टेढ़े हो गए हैं, आपके घुटने खराब होने का नंबर आ गया, आपके पैर टेढ़े हो गए हैं, देखिए पैर कैसे टेढ़े हो गए, मैं ये दिखा रहा हूँ, ये पैर 45 डिग्री टेढ़ा हो गया है, इधर से उठा पा रहे हैं, उठा नहीं पा रहे, अंगूठे मिला के रखिए, अंगूठे मिलाइए, एड़ी मिलाइए, ये सब पूरे पूरी डिफॉर्मिटी, ये सिर्फ जिम करते रहे हैं, कभी स्ट्रेचिंग नहीं की है, तो अभी तो स्पैन का नंबर है और ये नहीं माने, अगले 5-7 साल में इनके घुटने भी तकलीफ देने लगेंगे। तो अब पंजा खींच के रखिए, घुटना दबा के रखिए स्ट्रेट, अब एक टांग को सीधा ऊपर उठाइए और जहाँ तकलीफ हो वहीं रुक जाना, बस। तो ये हार्डली 50-60 डिग्री जा पा रही है ये टांग, तो ये इनके अंदर, इसको कहते हैं स्टिल लेग SLR टेस्ट पॉजिटिव। राइट के अंदर ये 50-60 डिग्री जा रहा है और इधर 20 डिग्री जा रहा है लेफ्ट के अंदर। तो लेफ्ट में ही दर्द होता है आपको जी, लेफ्ट साइड में दर्द होता है और लेफ्ट में सन्नाट है। हाँ, तो इनकी लेफ्ट वाली में डिग्री, इनकी टांग नहीं उठ पा रही है, तो ये लेफ्ट जो डिस्क प्रोलैप्स है वो राइट में भी सियाटिक नर्व को प्रेस कर रही है, इसको सियाटिका कहते हैं। सियाटिक नर्व का जो राइट साइड वाला पोर्शन है वो कम दबा हुआ है और लेफ्ट की तरफ डिस्क ज़्यादा प्रोलैप्स है, सेंटर डिस्क प्रोलैप्स है इनको, तो राइट में कम है, लेफ्ट में ज़्यादा है दोनों तरफ, तो इनका ट्रैक्शन देना ही पड़ेगा, मशीन पर इंटरमिटेंट कंटिन्यूस ट्रैक्शन और प्लस बिस्तर पर ट्रैक्शन किट के द्वारा ट्रैक्शन। अब मैं आपको अपनी एक स्लाइड प्रेजेंटेशन है वो दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर ये ह्यूमन स्पाइन होता है, स्पाइन के अंदर ये पूरा स्पाइन है, इसमें सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर साफ नज़र आ रहा है और ये डिस्क नज़र आ रही है और वर्टिब्रा भी नज़र आ रही है, नीले रंग की डिस्क है और ये स्पाइन की कंडीशंस हैं, किस समय क्या क्या होता है, पहले ऐसी होती है फिर ऐसी होती है और डिस्क प्रोलैप्स भी दिखाया है और अंत में डिस्क डीजनरेट हो जाती है। ये पूरी डिस्क निकल के बाहर आ जाती है और इस तरह से ये पूरे पूरे बहुत मोटे कवर को उसका अंदर जो जेली है वो बाहर आ करके और डिस्क को दबाती है। देखिए ये कैसे डिस्क दबाती है, ये दिखाया गया है इसके अंदर डिस्क कैसे दबाती है, ये यहाँ पर ये डिस्क दबा रही है और ये जो स्पाइनल, ये जो स्पाइनल कॉर्ड ऊपर से आ रही है उसको यहाँ दबा रही है। ये एक्चुअल कंडीशन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये
एक्चुअल जो MRI होता है उसके अंदर पिक्चर दिखाई है, इतने पूरे एरिया में जहाँ रेड कलर का हो रहा है पूरे एरिया में दर्द होता है और सूजन आ जाती है। ये एक जो पेशेंट जब की डेथ के बाद जब उसका पोस्टमार्टम के बाद जब उसकी बॉडी को ऑटोप्सी करते हैं तब ये डिश निकल के ऐसी बाहर आ जाती है, तो ये पूरी डिश यहाँ से निकल के बाहर आई हुई है और स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस कर रही है। ये जो पूरा मैटर है ये डिश का है, इस मरीज के अंदर भी ये ऐसा ही है। ये देखिए MRI के अंदर दिखाया गया है, ये देखिए ये डिश बाहर निकल के आ गई है, इस मरीज में पूरी है, इनकी इस मरीज के अंदर ये डिश किस तरह से बाहर निकल के आई हुई है। ये भी MRI है, देखिए इसमें कम डिश निकली है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये देखिए ये एक्चुअल MRI के ऊपर रेड कलर लगा करके समझाने की कोशिश की गई है, ये डिस्क निकल के बाहर आई हुई है पूरे इस पेशेंट के अंदर, ये नागर साहब के अंदर बिल्कुल ऐसा ही है। अब इस डिस्क के अंदर अब आगे हम क्या करते हैं वो दिखाएंगे आपको। ये पोस्चर इस तरह के अलाइनमेंट होता है, ये तमाम कंडीशंस हैं किस किस वजह से डिस्क खराब होती है वो तमाम कॉजेस दिखाए गए हैं। अब ये जो आदमी बैठा बैठा खाता रहता है, दिन भर टीवी देखता रहता है, उसके अंदर ये हो सकता है। जो बच्चे इस तरह से कोच पोटैटो होते हैं, खाते रहते हैं, पड़े रहते हैं और वो उनके अंदर ये डिस्क हो जाती है, या गलत कंडीशन में बैठते हैं तो डिस्क हो जाती है, या हाई हील की सैंडल पहनते हैं तो डिस्क हो जाती है, या तेज़ी से सिर में झटका लगे, कार के बैक रेस्ट नहीं है, गर्दन का रेस्ट नहीं है तो जोर से ब्रेक लगाए तो गर्दन पीछे चली जाएगी, या फिर आगे से किसी ने ठोंक दिया तो सिर आगे चला जाएगा तो सर्वाइकल डिस्क चली जाएगी, या सर्वाइकल जो रेडिकुलोपैथी सर्वाइकल डिस्क डबल दबने से ये कंडीशन इस तरह से प्रेजेंट हो सकती है। सिर में दर्द हो सकता है, या बाह में जा सकता है, या कंधे में जा सकता है, या तीनों चीज़ें मिला के हो सकती हैं। और जब नीचे की डिस्क दबती है तो उसके अंदर या तो इस तरह से ऊपर से नीचे तक दर्द जा सकता है, या नीचे सुन्नाट हो सकती है, या सिर्फ स्किन में सुन्नाट हो सकती है, या दर्द सुन्नाट ये सब चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। एक इसमें मरीज जकड़ जाता है तो इसके अंदर जब बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है तो इस तरह से इंजेक्शन लगा करके, तो एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाया जाता है सर्वाइकल के अंदर, उसको सर्वाइकल एपिड्यूरल कहते हैं, और लंबर में तो उसको लंबर एपिड्यूरल कहते हैं, ये भी किया जा सकता है, ये कंडीशन हो जाती है। तो इंजेक्शन का रिजीम हमारा क्या होता है, पहले दिन एपिड्यूरल इंजेक्शन लगा दिया, उसके बाद 1 से 20 दिन तक रेस्ट किया, वो रेस्ट प्लस फिजियोथेरेपी और प्लस ट्रैक्शन, और उसके बाद 21वें दिन फिर सेकेंड एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाया, फिर उसके बाद 21 से 24 दिन तक रेस्ट किया, फिजियोथेरेपी की ट्रैक्शन दिया, फिर 42वें दिन तीसरा इंजेक्शन लगाया। इस तरह से एपिड्यूरल इंजेक्शन का तीन एपिड्यूरल इंजेक्शन का कोर्स होता है जो 42 दिन में पूरा हो जाता है 20-20 दिन के बाद। ये इंजेक्शन सर्वाइकल जो इंजेक्शन है वो इस तरह से लगाया जाता है, एक इंजेक्शन को ठीक जहाँ पर नीडल इस तरह से वहाँ तक पहुँचा दी जाती है, और जहाँ पर नर्व दब रही है एपिड्यूरल स्पेस में उस इंजेक्शन को पहुँचा दिया जाता है। उसके बाद ये पिलो दिया जाता है, ये कॉलर लगाया जाता है, सर्वाइकल ट्रैक्शन दिया जाता है, और ट्रैक्शन बैठ के भी या लेट के कैसे भी ट्रैक्शन दिया जा सकता है। जो लंबर एपिड्यूरल इंजेक्शन है उसको इस तरह से लगाया जाता है और इस तरह से लगाया जाता है। ये इंजेक्शन लगाने का एक्चुअल फ़ोटो है, और ये ऑपरेशन थिएटर का मेरे मरीज का एक्चुअल फ़ोटो है। कभी बैठ के भी लगा देते हैं, कभी लेटा के लगा देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंजेशन। ये लेटा के लंबर एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाया जा रहा था। तो इस मरीज में नागर साहब में ठीक इसी तरह से, ये मेरे ही मरीज का फोटोग्राफ है, इस तरह से ऑपरेशन थिएटर में इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके बाद इस तरह से लंबा ट्रैक्शन दिया जाता है मशीन के ऊपर, सोने की पोजीशंस, तमाम एक्सरसाइज की पोजीशंस, और जो टीए टाइट है, इनका भी टीए बहुत टाइट है, तो उसको मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये तमाम बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ये भुजंगासन बहुत फायदेमंद चीज़ है, ये तमाम ब्रिजिंग एक्सरसाइजेस, इसमें हिप को बिस्तर से पहले ऐसे लेट जाओ, फिर ऐसे उठाओ, फिर इस तरह से उठाओ, ये ब्रिजिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और जब किसी भी चीज़ से कंट्रोल नहीं आएगा तो लंबर लेमिनेक्टमी की जाती है इस तरह से, और स्पाइनल कॉर्ड को खोल दिया जाता है। और जब बहुत बुरी कंडीशन होती है तो उसमें डिस्प्लेस के अंदर उसमें फिर हम डिस्क चेंज करते हैं और स्पाइन को स्टेबलाइज करते हैं। ये आर्टिफिशियल डिस्क है,
डिस्क रिप्लेसमेंट है, जैसे नी रिप्लेसमेंट, इस तरह से डिस्क रिप्लेसमेंट भी करते हैं। ये आर्टिफिशियल डिस्क है और ये इसका एक डिस्क डालने के बाद में इसको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि डिस्क कहाँ डाली जाती है। इनकी यही वाली डिस्क डैमेज हो गई है। हम इसको अगर ये ईमानदारी दिखाएंगे और जिनका 106 किलो वजन है, अगर 80 किलो वजन कर लेंगे, 26 किलो वजन करा देंगे, तो इस पर कंप्रेशन कम हो जाएगा, तो ये डिस्क इनकी काम दे जाएगी। ये इसका फोटो है, एक्सरे फोटो, ये डिस्क आर्टिफिशियल पड़ी हुई है और इसको स्टेबलाइज किया हुआ है। थैंक यू। शुरुआत में दर्द को कंट्रोल करने के लिए हमें मशीनों की मदद लेनी पड़ती है, जिससे मरीज का फौरी दर्द कंट्रोल हो और दवाओं को कंट्रोल, दवाएं भी दी जाती हैं तो दर्द और कंट्रोल हो जाता है, सुन्नाहट कम होने लगती है। और उसके बाद ट्रैक्शन मशीन पे दिया जाता है और घर का भी ट्रैक्शन दिया जाता है। घर पे ट्रैक्शन देने के लिए ये डब्बा मार्केट में आता है और ये हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कंपनी है। इसका डब्बा है, इस पर लिखा हुआ पेल्विक ट्रैक्शन किट, और इस तरह से मरीज पे लगा जाता है। प्लीज़ जल्दी से डब्बे को खोलिए। डब्बा पैक आता है, जब इसको हम खोलते हैं तो खोलने के दौरान इसके अंदर चार आइटम निकलते हैं। आप भी आ जाइए, समझ लीजिए ये आइटम निकलते हैं। एक तो इसके अंदर ये बेल्ट होती है, एक ही बेल्ट होती है, बेल्ट मरीज को बांधी जाती है। ये कमर के नाप से आती है, तो इनके नाप की बेल्ट इनको दी जाएगी, कमर का नाप लिया जाएगा, तो उसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज चार साइज आते हैं, इनके नाप से बेल्ट दी जाएगी। और उसके बाद बेल्ट के अंदर ये हुक लगाया जाता है, ये एक कॉर्ड होती है प्लास्टिक की, ये वजन के लिए पानी का थैला होता है या रेत का, और ये ट्रैक्शन किट होती है जो मरीज को लगा के बताई जाती है। इसका इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो घुटनों के नीचे एक एक तकिया रखा जाता है, लाओ घुटनों के नीचे तकिया लगाओ, ठीक ठीक। और इस बेल्ट को पहनाया जाता है। इस बेल्ट के अंदर इसके जो पट्टे होते हैं, ये पट्टे नीचे इस तरह से रख दिए जाते हैं, ठीक है। इसको खींचिए, पेट पिचकाइए और कस के इसको, ठीक। यहाँ पर एक जहाँ पर हम नाला बांधते हैं, जहाँ पजा का नाला पर जाता है या पेंट की बेल्ट जाती है, वहाँ पर ये सेकंड बेल्ट आती है और ये पेट के ऊपर आती है, टुंडी के ऊपर, और ये कस के बांधते हैं, ठीक। तो ये हमने बांधी बेल्ट, उसके बाद ये दोनों निकल के आए हैं, इसके जो पट्टे हैं जो निकल के आते हैं, लाइए आप। अब उसके बाद इस पलंग से, जहाँ पलंग का गद्दे का ऊपर वाला हिस्सा है उसे, ठीक, ये मेरा 9 इंच का है, 18 इंच का, देखिए ये 9 इंच और 9 इंच 18 इंच का, पूरा 1.5 फुट का एक गद्दा पट्टा लिया जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखी जाती है कि हर हालत में इनके पैर का तल्ला है, जो पैर का सोल है और इस पट्टे के बीच में 9 इंच का गैप होना चाहिए, क्योंकि इसकी लंबाई 6 फुट 3 इंच की है, तो इनको कम से कम 6.5 या 7.5 फुट का पलंग लेना पड़ेगा इनको, इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। और ये 6.5 फुट का हमारा ये जो टेबल है वो भी छोटी पड़ गई है, तो इनको 7 फुट का तख्त का इंतजाम करना पड़ेगा और उसमें एक साइड के अंदर इस तरह से इसको कसना पड़ेगा, ये गद्दा इनको कसना पड़ेगा। कसने के बाद इसको, ये जो आती है इसको 45 डिग्री एंगल पर ये फिक्स करना पड़ेगा, इस स्क्रू से 45 पे फिट हो जाती है। और इसके अंदर, इस बेल्ट के अंदर कोई सलवट ना आए, ऐंठ ना आए, इस हुक में फंसा लेंगे। फंसाने के बाद में इसको बांध देंगे। बांधने के बाद में इसके सबसे ऊपर वाले हुक के अंदर से इसको इस तरह से निकाला जाएगा, देखिए खींच के रखो। अब ध्यान से देखें, ये इनके अंदर ट्रैक्शन लग गया है और सिर के नीचे भी एक तकिया इनके लगा दिया है हमने, तो सिर के नीचे एक तकिया लगेगा, घुटनों के नीचे एक तकिया लगेगा, घुटनों के नीचे एकदम, और ये बेल्ट इसके ऊपर से आएगी और ये इस तरह से इसमें टच करेगा, ठीक। अब क्या हो रहा है कि ये कॉर्ड यहाँ टच कर रही है, ये कॉर्ड टच करेगी तो ट्रैक्शन नहीं आएगा, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा इसका एंगल और बढ़ाएंगे। खोलिए इसको, ऊपर उठाओ थोड़ा सा, हाँ और उठाओ, बस ठीक, अटो खींच बिल्कुल। तो ये इसे टच नहीं करना चाहिए, और ये पूरा यहाँ से जो खिसाब लगेगा तो ये ऊपर की बॉडी इनकी ऊपर रहेगी और ये पूरा इसको खींचेगी, तो जो L5S पर जो डिस्क दबी हुई है वहाँ थोड़ा सा एक नेगेटिव प्रेशर आएगा, वो डिस्क अंदर जाएगी, अंदर जाएगी तो इनकी नस पर दबाव कम होगा और इनकी जो सुन्नाहट है और टांग जो ऊपर नहीं उठ रही है वो उठने लगेगी, इनके दर्द में कमी आएगी। तो इस ट्रैक्शन पर ये
24 घंटे में से 24 घंटे यानी खाने के बाद एक घंटे छोड़ देंगे, तीन टाइम खाना खाएंगे, तीन घंटे तो बचे तो हो गए 21 घंटे। 21 घंटे ये इस तरह से लाइट ट्रैक्शन पर रहेंगे। और ट्रैक्शन की क्या तरकीब होती है, इसके अंदर एक बैग होता है, इस बैग के अंदर या तो पानी भरें, अगर सेंड का वेट इधर आएगा और वाटर का वेट इधर आएगा, अगर हम इसके अंदर वाटर डालेंगे तो 10 kg आएगा और सेंड डालेंगे तो 12 kg। ये इसके अंदर पीछे वाल्व होता है, इस वाल्व को खोल के इसमें सेंड बांध दी लगा दी जाएगी। तो इसका कायदा क्या होता है, कितना वजन लटकाना चाहिए, वजन लटकाने का कायदा होता है 1/3 ऑफ द बॉडी वेट से हम स्टार्ट करते हैं। तो अब इनका वजन है 106 किलो, 1 से 6 किलो को 1/3 करेंगे तो 33 तो 100 का हो गया और 33 × 2 = 35 किलो, तो 35 किलो एक बैग में तो आ ही नहीं पाएगा। तो अब क्या करेंगे, 35 किलो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो शुरुआत करेंगे हम 20 किलो से। तो एक बैग तो ये हो गया, एक बैग और लेना, एक सादा थैला लेना और थैले के अंदर बालू भर लेना और बालू भर के इसके साथ और लटका देना। तो 20 किलो से हम स्टार्ट करेंगे और डेली उसमें एक एक किलो बढ़ाते चले जाएंगे। ऐसा करते करते हम 30 किलो तक ले जाएंगे, ठीक है। तो 30 किलो तक ले जाएंगे और धीरे धीरे आपकी टॉलरेंस पावर भी बढ़ती चली जाएगी और हमारा वजन बढ़ता चला जाएगा। मेडिसिन आपको देंगे, मेडिसिन शाम को 6 बजे तक खा लेनी है, क्योंकि ये मेडिसिन से थोड़े से चक्कर की समस्या कुछ मरीजों में आती है, तो चक्कर वाला पोर्शन आपके सोने के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो हर रात में सूरज छुपने से पहले मेडिसिन खा लें, जिससे जब सोए उठें तो फ्रेश उठें आप, ठीक। हल्का खाना खाएंगे, आपका 106 किलो का वजन है, इसको घटा के आपको 80 किलो का करना पड़ेगा। जो ऊपर से जो आपका 26 किलो वजन घटेगा उसका भी लोड यहाँ कम पड़ेगा, थोड़े दुबले पतले लगने लगे लेकिन स्मार्ट लगेंगे आप, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आ गई। तो मेडिसिन से शुरू में इंजेक्शन दिए जाएंगे आपको 10 दिन के, फिर वो खाने वाली गोलियों में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। तो ट्रैक्शन लगाना, इसके साथ मशीन का ट्रैक्शन और लगाते हैं। ये ट्रैक्शन मशीन है उसी तरह से जो दिखाई थी। अब देखो ट्रैक्शन ने बांध दिया बेल्ट, और इसके बाद एक बेल्ट और बांध दी सीने के अंदर, ठीक। और उसके बाद हाँ, इस पैरों को ऊँचा उठाने के लिए इसके नीचे एक स्टूल लगा दिया। देखो ये स्टूल लगाया जा रहा है, स्टूल लगा दिया। स्टूल लगने के बाद में अब इस मशीन के अंदर जो बेल्ट थी उसके अंदर हमने ये हुक लगा रहे हैं, इसको ट्रैक्शन टेबल कहते हैं। और देखो ट्रैक्शन टेबल के अंदर ये हुक लगाया जा रहा है, दूसरी साइड से और हुक लगा दीजिए। हाँ, अब देखिए ये पूरी रॉड लगा दी गई है और इस रॉड के अंदर ये ट्रैक्शन का धागा लगा दिया। अब हाँ, इनकी ज़्यादा थोड़ा साइज है बेल्ट का, तो बेल्ट को थोड़ा खुल ना जाए इसलिए ऊपर से हम ऊपर से रीइंफोर्स कर रहे हैं एक बेल्ट के द्वारा, कहीं ये ऊपर बेल्ट खुल ना जाए इनकी। तो अब इसको चेन से बांध दिया गया है, मशीन स्टार्ट करी आप, मशीन स्टार्ट कर दी। हाँ हाँ, बाद में चेंज कर देना। तो मशीन के अंदर हमने स्टार्ट कर दिया, अब इसको ट्रैक्शन देंगे तो इसके अंदर खिंचा, देखिए अब मशीन चलने लगी और इसके अंदर ये खिंचाव बढ़ने लगा। इसके दो मोड होते हैं, मैं दूर से दिखा देता हूँ मशीन को। इसके दो मोड होते हैं, एक तो इंटरमिटेंट मोड और एक कंटिन्यूस मोड। इंटरमिटेंट मोड के अंदर पहले खिंचाव देगी, फिर खिंचाव हटेगा, फिर खिंचाव देगी, फिर खिंचाव हटेगा। ये पूरा इनका ट्रैक्शन का तरीका है। अब इनको ट्रैक्शन ये लगा हुआ है, ये इनको ट्रैक्शन लगा हुआ है, ये ट्रैक्शन मशीन है, ये ट्रैक्शन टेबल है, ठीक है। तो एक तो खिंचाव देगी, फिर देखिए ढीला कर दिया, ढीला कर दिया, अब ढीला कर दिया, अब ये फिर खिंचाव आएगा, देखिए फिर खिंचाव आया, ये फिर खिंचाव आया ये। हाँ, तो उस मशीन पर इस तरह से इंटरमिटेंट ट्रैक्शन है, जो इंटरमिटेंट ट्रैक्शन 15 मिनट का हो जाएगा, फिर कंटिन्यूस ट्रैक्शन इनको दिया जाएगा। तो ये ट्रैक्शन टेबल पर खिंचाव, देखिए खिंचाव जा रहा है और वो काफ़ी खिंचाव आ रहा है इसके अंदर से। मैं था डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मैं बता रहा था आपको बैक के इलाज के बारे में। मेरा मोबाइल नंबर है 9810124
333 और लैंडलाइन नंबर है 011-4243-0066। ये कुछ दवाएं हैं जो इन मरीजों में दी जाती हैं। ये दर्द को कंट्रोल करने वाली दवा है रेमसेट डी, ये वहाँ एरिया की सूजन कम करने के लिए 4 स्टेप टोटल है। ये जो नर्व डैमेज हो रही है उसको, जो डैमेज होगा जो सन्नाट आ गई है और परेशानी हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए ये दवा है। ये जो सन्नाट को दूर करने के लिए बहुत अच्छी दवा है ये नर्विकूल, बहुत अच्छी दवा है। और जो बोन की भी जो कमजोरी आ जाती है जैसे डिस्प्लेप्स होती है उसके लिए ये बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा भी कुछ और दवाएँ हैं जो ऐसे मरीजों में दी जाती हैं, जैसे नर्व टॉनिक है, मेथिकोलाबाइन है, बी कम्प्लेक्स के इंजेक्शन है, कैल्शियम के इंजेक्शन है, वो दवाएं भी साथ साथ दी जाती हैं। पर इंजेक्शन को मैं आमतौर पर 10 दिन में बंद कर देता हूं और उसकी ओरल टेबलेट दे देता हूं। मुश्किल नहीं है, कमर दर्द में यदि मरीज ईमानदार है और डॉक्टर की बातें मान रहा है, इतना मान लो आपकी कमर में हार्ट अटैक हो गया है, दिल का दौरा पड़ गया कमर के अंदर, और आप डॉक्टर की बताई सब बातों को मान रहे हैं और डॉक्टर को अपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करने दे रहे हैं बल्कि आप डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, तो ये तुरंत कंट्रोल हो जाता है। और कुछ एक्सरसाइज का सेट है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। YouTube DrSubhash SHSHSHLYA, इसमें मेरी करीब 250 वीडियो हैं जिसमें से करीब 50 वीडियो कमर दर्द के बारे में ही हैं। उन वहाँ से देख सकते हैं तमाम एक्सरसाइज की वीडियो, और कमर दर्द क्या है इसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है। धन्यवाद। इनके जहाँ जिस एरिया में सबसे ज़्यादा दर्द है वहाँ पर पैड लगा दिए गए हैं। देखिए ये पैड लगाए गए हैं, ये चारों पैड लगाए गए हैं और इनको कस दिया गया है और इसके बाद इसको कवर कर दिया है, ठीक। और ये मशीन है, ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड टेंस मोड है, ये इनको टेंस दिया जा रहा है, ट्रांस कोटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन, ये टेंस दिया जा रहा है जिससे कि इनकी थोड़ी सी पेन की इंटेंसिटी कम हो, फिर इनकी एक्सरसाइज शुरू कराएंगे। इनके पैर भी बहुत टाइट हैं, पैर को कंट्रोल करेंगे, गीजर ऑन कर दिया गया है और उनके पैर की जो पूरी हालत ख़राब है, टेंसर फेशियल आर्टा टाइट है, इनकी हेमस्ट्रिंग टाइट है, टीए टाइट है, वो सबको भी रिलीज किया जाएगा, ठीक है। मतलब है कि इसका इलाज कोई बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इलाज बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा ईमानदार होना पड़ता है, डॉक्टर की बातों को मानना पड़ता है और अपने को पूरी ईमानदारी से डॉक्टर की बताई बातों का पालन करना पड़ता है। कुछ एक्सरसाइज ज़रूर हम कराते हैं, कुछ दवाएँ देते हैं। आप ईमानदार रहें तो कितना भी भयंकर से भयंकर कमर दर्द है विद इन ए वीक कंट्रोल में आ जाता है।